अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौशल, BTM बैंगलोर से फिर एक बार आप सबके साथ। दोस्तों, आज जो उड़पी का जो हिजाब का मुद्दा है, वो आज इस हद तक पहुंच गया कि आज गोली चलानी पड़ी स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। दोस्तों आप सोचिए, अगर उस गोली बार में किसी को, कोई बच्चे को गोली लग जाती, तो उसके पेरेंट्स और उसके घर वालों पर क्या बीतती। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने आई हूँ कि ये हकीकत मैं आपके सामने रखूँ। मैं किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। उड़पी का हिजाब का इशू क्या इस हद तक पहुँचना चाहिए था? क्यों क्रिएट हुआ? किसने क्रिएट किया? आज ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का नहीं रहा, देश का नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक चला गया। हम बच्चों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, गोली चलाई गई। क्या इस ये चीज यहां तक होनी चाहिए थी, और किसके वजह से हुई ये चीज यहां तक? मैं सिर्फ हकीकत आपके सामने रख रही हूं। डिसाइड आप लोगों को करना होगा, डिसाइड आप पूरे हिंदुस्तान की और कर्नाटक की सबसे पहले आवाम को, एक साथ सारे मुसलमानों को एक साथ आके इस मुद्दे पे जुड़ना होगा, वरना कल जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे। अगर आज हम लोगों ने कोई सही डिसीजन नहीं लिया, एकजुट होकर डिसीजन नहीं लिया तो। दोस्तों, उड़पी का जो मामला है, वहां की जो 6 लड़कियों को पहले हिजाब के लिए, वो जो बाहर खड़ी स्कूल से, उनमें से 2 लड़कियां 2 या 2.5 साल पहले, एक ABVP के 2.5 या 3 साल पहले ABVP के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे थे। वो लड़कियां को पॉपुलर फ्रंट वाले वहां से देखे और उनको वहां से, ये RSS का विंग, तुमने अगर ऐसा प्रोटेस्ट करना ही है तो SDPI का भी स्टूडेंट विंग है, उसमें ज्वाइन करो, बल्कि उसमें ज्वाइन करा। फिर उसके बाद एक साल पहले, जब सेकेंड लॉकडाउन के बाद जब कॉलेजेस शुरू हुई, तो उन लोगों को कहा गया कि उनके पेरेंट्स को भेज, तुम्हारे पेरेंट्स को भेजो उस कॉलेज में बात करने के लिए। ये चीज हकीकत किसी को नहीं मालूम है कि वो लड़कियां अब तक, उड़पी की कॉलेज की लड़कियां, उड़पी का कॉलेज का मुद्दा अलग है, कुंदापुर का अलग है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। उड़पी के लड़कियां जो है कॉलेज क्लास के अंदर बिना हिजाब के जाको बैठती थी, स्कूल तक डाले को कॉलेज तक डाले को जाते थे, बुरखा नखा हिजाब सब कुछ। क्लासरूम के अंदर उस कॉलेज में कभी भी परमिशन नहीं थी, उन्हों भी नहीं डालते थे, क्लास में बिना हिजाब के बैठते थे। तो सडनली उन्होंने बीच में, कहा जा रहा है कि वहां पर इन लोगों को प्रवोक किया गया, इंस्टिंक्ट किया गया कि जाके अपने पेरेंट्स को भेजो। अब वो पेरेंट्स सामने आके बात करना है कि इसमें कितनी सच्चाई है। वहां पर जो है वो पेरेंट्स जाको बात करे, तो वहां का प्रिंसिपल बोले नहीं, यहां पे पहले से परमिशन नहीं है तो नहीं देते। तो उसके बाद खटास चलती रही, सेकेंड लॉकडाउन हो गया, बंद हो गए स्कूल कॉलेजेस, सब बंद हो गए। जब दोबारा से कॉलेजेस खुले सेकेंड लॉकडाउन के बाद, अभी रिसेंटली, तब ये लोग फिर से उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजे वहां पर, जाओ जाके डिमांड करो। क्यों भेजे, क्यों गए? जब तुम्हें लोगों को वहां पे मालूम था कि पहले से ही वहां पे परमिशन नहीं है, उस चीज को तुम्हें एग्री करके बनाए, वहां जमाए अपने बच्चों को कॉलेज में। हर स्कूल का एक एक रूल होता है अलग, मैं मानती हूं। जब वहां पे उन्होंने, जब तुम्हें वो कॉलेज में एडमिशन कराए, कुंदापुर का तो अलग है कि कुंदापुर के पहले से डालने का आते थे, वहां पर वो बच्चे डालते थे, बाद में यहां का देख को उन्होंने वहां मना करे। किसके वजह से मना करें? इनका देख को उन्होंने मना करें। यहां पे जो बच्चे है ना, फिर गए तो यहाँ के पेरेंट्स भी है ना, वहां पे क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं है, उसको एडमिट कर को ही ना जमाए, उसको उस चीज को मान को ही ना जमाए तुम्हें इसको कॉलेज के अंदर।
जमाए बाद वहां पे वो लड़कियों को परमिशन नहीं दिए गया, तो वो लड़कियों को प्रवोक इंस्टिंक्ट करे कि नहीं कॉलेज के क्लासरूम के अंदर जाओ उनको। कौन बोल को दिए वो बच्चियों को क्लासरूम के अंदर जाओ उनको? जो बच्चियों को इतना तक अंदाजा नहीं था कि ये भी वीपी आरएसएस का विंग है, एसडीपीआई का भी कोई अलग विंग है, स्टूडेंट्स विंग, जो इतनी भोली भाली बच्चियों को इतना करने की हिम्मत और इतना सब कुछ नॉलेज कहां से आई? इसके पीछे किसका हाथ है? दोस्तों मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, एक्सट्रीमिस्ट कट्टरवादी जिनको बोलती ना, वो हर कौम में ही, मुसलमानों में भी ही, आरएसएस हिंदुओं में भी ही। तो हम ना ये जो कट्टरवादी जो बोलती वो उन्हों हमना नहीं होना, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे जो कट्टरवादी चाहे मुसलमानों में है, सिक्का में हो, क्रिश्चना में हो या हिंदुओं में हो, उन सब के वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा हैं। ये बात अच्छे से याद रख लीजिए, जो भी कट्टरवादी है कोई भी जात का हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है। इनो लोगों वो बच्चियों को भड़का को कॉलेज के बाहर खड़ना करे, वहां पे मीडिया को भेजे, इसका इश्यू बनाए। ये जो चीज वहां पे नहीं थी उसको क्रिएट कर को जब ये बढ़ रहा है, उस वक्त भी है ना इनो लोगों काबू में नहीं है, उसको पीछे नहीं हटाए। आज ये पूरा कर्नाटक सिलक को बैठे है। किसके वजह से सिलक को बैठे है? मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हमारे बच्चों को हिजाब नहीं डालना चाहिए या बेपर्दा फिरना चाहिए, ये नहीं बोल रही हूं, प्लीज गलत मत समझिए। मगर भड़का को आग लगाना, ये सबसे, ये हमारा इस्लाम भी हमने इसकी इजाजत नहीं देता। आप ये चीज अच्छे से याद रख लीजिए। एसडीपीआई वालों को अच्छे से पता था कि वहां पर कोस्टल रीजन्स में कितना आरएसएस वालों का कितना वहां पर है, उन्होंने लोगों एक्शन का रिएक्शन देती बहुत अच्छे से पता था इनको। यही चीज यहां पे एसडीपीआई के विंग से दूसरे बैंगलोर में ही, दूसरी जगह भी ही, वहां पे ये चीज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उड़पी में ही क्यों उठाए? क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि वहां पर एक्शन का रिएक्शन आएगा। दोस्तों ना मैं मुसलमानों के ना हिजाब के खिलाफ हूं, ना वो बच्चियों के खिलाफ हूं। मैं आज जिस जो पूरा हिंदुस्तान सिलक के बैठे है, इसके पहले भी हमें बाबरी मस्जिद के टाइम पर देख चुकी, गांव गांव जलते हुए, सड़कों पे खून की नदियां देख चुकी हम लोग, बहुत कुछ देख चुकी। याद कीजिए आप लोग, नहीं चाहती हूं कि वह सब दोबारा हो, इसलिए हकीकत आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी हो गए। सबको लगता था आज हमारी जो गवर्नमेंट भी है नहीं, इनो लोग है ना थाली में सजा को मुद्दा दे डाले, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को भी कितना अपील करे, हमें लोग कितना अप्रोच करे, तो भी गवर्नमेंट जो है इसको रोकना या इस मुद्दे को ठंडा करना, दबाना नहीं चाहिए। क्यों बोले तो इन लोगों को भी, ये 5 स्टेट में इलेक्शन चलने वाले ही, यूपी के साथ 5 स्टेटों में इलेक्शन चलने वाले ही, वहां पे उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। सबको लगता था कि अब तो बीजेपी गई सब जगह से, मगर अब क्या हो गया? साउथ इंडिया जहां बीजेपी का कुछ नहीं चलता, वैसी जगह हम लोग हिजाब बैन करें। अब मध्य प्रदेश में हिजाब बैन करें, ये मुद्दे पे अब उन्होंने इलेक्शन लड़ती, इसका अंजाम क्या होगा सोचिए, और किसके वजह से हुआ सोचिए।
दोस्तों अब तक शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि उडुपी के अंदर वो बच्चियां क्या भी पहले से हिजाब डाल को जाती थी, फिर उनको क्या भी तुम्हें डाल आज के बाद डाल के उनको बिल्कुल बीच में उनको बाहर नहीं निकाले। इनो लोग बीच में डिमांड करे सो किसके बहकावे में आके करे। आज कर्नाटक क्या सी लग रहा है इनकी। आज दोस्तों आप सोचिए कि इनो लोग जो करे उडुपी में उसके वजह से जो बच्चियों को परमिशन थी कुंदापुरा में होंदे शिवमोग्गा में होंदे, जो बच्चों को ऑलरेडी पहले से हिजाब डालने की परमिशन थी उन्होंने वो बच्चियां जो हाँ हमने हिजाब डालने की इजाजत है बोल को जाको जमे कॉलेज में, उन लोगों का भी हिजाब बंद हो गया। ये चीज को समझिए आप। इनका इन लोगों का बहकाना इन लोगों का जहर वो जो मासूम बच्चियों को अफेक्ट कर रहा वो मासूम बच्चियां सफर कर रही हैं। आज सारा कर्नाटक सफर कर रही है बच्चियों के वजह से इनके बहकावे की वजह से। आज हम लोगों को एकजुट होके होना पड़ेगा होके जो कोई भी ये कट्टरवादी हमने नहीं होना ना हमें इसे ना तालिबान बनने देंगे ना हमले इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। ये सेक्युलर इंडिया है इसका सेक्युलरिज्म बचाना इस देश का हमारा इस्लाम भी बोलता है कि जिस देश में रहते हैं उस देश की हिफाजत करना हमारा हक हमारा फर्ज। तो इस फर्ज के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं सब एकजुट होके आगे आओ बचा लो अभी भी वक्त है बचा लो। शुक्रिया।